भैया भैया देखो भरत आया है सेना के साथ आपके वध के लिए। भरत जीवित नहीं रहेगा अब, वो कलंक है वध के लिए। रुको लक्ष्मण, भरत कदापि नहीं कर सकता ऐसा। गलत हो सकता है तुम्हारा अंदेशा, लेकिन चित्रकूट तक आ गया है भरत। भैया आज मुझे रोकिए मत। क्रोध से लक्ष्मण तानते प्रत्यंचा परवान, राम है उनको रोकते, क्या होगा परिणाम, क्या होगा परिणाम। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। अरे भैया लक्ष्मण आए क्रोध में, कुछ भी कर सकते हैं प्रतिशोध में, पर ऐसे में होती है आकाशवाणी। लक्ष्मण स्वयं स्वयं रोको, वरना भूल होगी भारी, ऐसा महापाप होगा, रुदन करेगी सृष्टि सारी। लक्ष्मण हुए शांत और करने लगे प्रतीक्षा भरत की। पर लक्ष्मण ने राम की बात मानने में भी इतना टाइम लगा दिया, बड़े भाई की बात मानने में भी। सवाल सही है, एकदम सही, अपने भाई बहन की बात सुननी चाहिए। पर आज की कथा से हमें यही पता चलेगा कि कब भाई बहन की बात मान लेनी चाहिए और कब नहीं। शुरू करते हैं आगे की राम कथा, जो सुलझाए सब की व्यथा। आओ राम भरत मिलाप से कथा खोलें। राम जी बोले, अनुज, प्रिय भरत, तुमको देखकर मन में अतुलित संतोष छाया, गले से लगो, तुम्हारा ध्यान मुझको यहां रोज आया। तुम्हारे साथ आए अयोध्या वासी इतने सारे, मगर पूज्य पिताश्री नहीं पधारे। क्षमा हो भैया मेरे, अवध पर छाए हैं मेघ अंधेरे, है मन शून्य, छाती में उठते हैं भंवर, आते पिताश्री भी जीवित होते अगर। यह धनुष लक्ष्मण के हाथ से गिरा था, सीता जमीन पर बैठ गई, राम के पांव लड़खड़ा गए, लक्ष्मण और भी ज्यादा व्याकुल हो उठे। राम भैया, लक्ष्मण को राम ने गले लगा लिया। क्या क्या माता भी आई थी? हाँ, बहुत दुखी थी, पछतावे से भरी। उन्होंने राम से कहा, मुझे क्षमा कर दो राम, तुम सबके दुखों का मैं ही हूँ मूल, भूल से भी नहीं होनी चाहिए थी, मुझसे हुई है ऐसी भूल। नहीं माते, जो हुआ उसका कारण काल कर्म और विधाता है, और अपने बेटे के लिए तो सोचती हर एक माता है। भैया मैं माता के विचार से सहमत नहीं, मुझे नहीं सिंहासन की अभिलाषा, आप अयोध्या चलो, राम राज स्थापित हो, तब जाकर संसार समझ सकेगा राम राज्य की परिभाषा। प्रिय भरत, पिताजी को दिया हुआ वचन कैसे छोड़ दूं अधूरा। लौटूंगा मैं, किंतु वनवास करके पूरा। भैया आपके कदम नहीं बढ़े अयोध्या की तरफ, तो चरण पादुका ही कर दीजिए प्रदान, सिंहासन पर रखूंगा इन्हें, इनको प्रतिदिन करूंगा प्रणाम। सर पर चरण पादुका रख, लौटते भरत महान, लक्ष्मण के नैनन बढ़ा भरत प्रति सम्मान, लक्ष्मण के नैनन बढ़ा भरत प्रति सम्मान। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। मतलब भरत ने राम को आदर्श मानकर उनकी बात मान ली। बिल्कुल, लौट गए और राम की सोच के अनुसार अयोध्या पर राज किया। अरे राज कम काज ज्यादा, यही तो रामराज की नींव है। जहां राजा राजा या फिर कोई वीआईपी नहीं होता, प्रजा का दास होता है।
यही तो सीखा था महाराज दशरथ से श्री राम ने कि राजा होने का अर्थ सन्यासी हो जाना होता है। समझा समझा। वैसे भैया आप मुझे नई चप्पल कब दे रहे हो? घर चल देता हूँ। क्या भैया? मतलब नई ही दूंगा। ढोलक ताओ, आगे सुनाओ। श्री राम ने जंगल में कई ऋषि मुनियों के यज्ञों को राक्षसों से बचाया, वन्य प्राणियों की सेवा की। एक दिन वन भ्रमण करते हुए सीता माता को एक विशाल काय पंछी दिखा जिससे वो घबरा गई। पर यह कोई विलन नहीं, यह था अपना सुपर हीरो चटाई। इतना बड़ा पंछी, इतने बड़े पंख, चोंच सूंड सी लंबी, आंखें बड़ी जैसे शंख। डरो नहीं भाभी, मेरे बाण में है इसका उपचार, अभी करता हूँ इसका संहार। रुको लक्ष्मण। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, प्रत्यंचा से तीर हटाइए, निर्दोष के वध के पाप से स्वयं को बचाइए। सुमित्रा नंदन, तुमने लिया लक्ष्मण की माता का नाम। अपना परिचय दो, मैं हूँ दशरथ पुत्र राम। तुम्हारे पिता से है पुरानी पहचान, एक बार इसी वन में बचाए थे उनके प्राण। यानी आप पिता के मित्र हुए। हमारी भूल को भूल जाइए, आप मेरे पिता के जैसे हैं, आपके चरणों की धूल चाहिए। वाह, अति सुंदर, महान पिता का महान पुत्र। बताओ कैसे हैं महाराज दशरथ? जब अयोध्या वापस जाओ, मेरे बारे में कहना भूलना मत। तात जटायु, काश जा पाते हम पिताजी के पास, लेकिन दुखद सूचना है, पिताजी का हो गया है स्वर्गवास। क्या? दशरथ, दशरथ कहाँ चले गए मेरे प्रिय साथी? तुम थे मेरे भाई बराबर, क्या दशरथ, क्या संपाति। जटायु धम से असहाय होकर जमीन पर बैठ गया, उसकी विशाल काया से धरती हिल गई। बड़ा दुखद समाचार था। जटायु को याद आया कैसे उसकी दशरथ से दोस्ती हुई थी। दशरथ को जटायु अपने भाई संपाति से कम नहीं मानते थे। वैसे उत्तरा बेटी, शब्द भेदी बाण याद है? हाँ, वही बाण है ना जिससे श्रवण कुमार की मौत हुई थी। हाँ, उसी बाण की विद्या सीखने के लिए दशरथ यहाँ वन में तप कर रहे थे। तप के बीचों बीच राक्षसों ने दशरथ पर किया हमला। आकाश में उड़ते जटायु ने जब ये देखा तो दशरथ को बचा लिया। तभी से हुई दोनों की दोस्ती पक्की, बेस्ट फ्रेंड्स वाली। नाइस। पर ये संपाति कौन है? जटायु के भाई, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी कथा पंचवटी की तरफ चली गई है। सुंदर सा वन है, जटायु ने बताया उधर ही रहो, बढ़िया अमेनिटीज है, सर्व सुविधा युक्त, रिवर साइड बेस्ट स्टे। कई साल वो वहां रहे, कुछ अभाव में फिर भी सुख के प्रभाव में, अपने सहज स्वभाव में। और धीरे धीरे पृथ्वी सूर्य के 13 चक्कर लगा चुकी थी, यानी 13 साल वनवास के पूर्ण हो चुके थे, पर आज सूर्य ग्रहण है। सूर्यवंशी राम ध्यान लगाकर बैठे हैं, तभी वहां रावण की बहन सूर्पणखा आती है। और क्यों आती है फूफा जी? माय डियर फ्रेंड्स, उसका दिल आ गया था राम और लक्ष्मण की सुंदरता पर। उस राक्षसी ने अपना रूप बदला और फिर ठुमकती हुई मचलती हुई राम जी के पास जाकर बड़ी अदा से बोली, भाई काया से राजकुमार दिखने वाले, तुम्हारा इस वन में क्या काम? मैं सूर्पणखा हूँ, तुम बताओ अपना नाम। नाम राम। बस इतना सा परिचय? करना चाहती हूँ मैं तुमसे विवाह, बस इतनी सी है मेरी चाह। सूर्पणखा, मैं सीता हूँ, इनकी भार्या। पहले परिचय मुझसे करो। ये तो राम है, शांत है, लेकिन तुम इनकी पत्नी से डरो। सूर्पणखा, मैं विवाहित हूँ और एक ही विवाह तक मर्यादित हूँ।
मैं सदा रहूंगा अपनी सीता का दास। आगे बात नहीं करूंगा, समय नहीं है मेरे पास। ओ बेटा, गजब बेइज्जती! राम ने उससे ऐसे बात की? तभी वहां लक्ष्मण जी आए, पूजा के लिए कुछ फूल और हवन के लिए लकड़ियां लाए थे। शूर्पणखा ने उनको देखा और फिर कुछ देर सिर्फ देखा। इतनी सुंदर काया, भुजाओं में भरपूर मांस, त्वचा पर तेज, आंखों में कांति। वाह, ये भी संपूर्ण है कदकाठी में। तुम्हारे भाई को बना सकती हूँ जीवन साथी में। हे देवी, मैं लक्ष्मण हूँ, पहले से विवाहित हूँ। अपनी पत्नी उर्मिला के प्रति मैं निष्ठा से समर्पित हूँ। विवाहित, मर्यादित, समर्पित, ये शब्द है मेरी अभिलाषा के विपरीत। अब मैं अपना असली रूप दिखाती हूँ, सबसे पहले राम की भार्या सीता को खाती हूँ। प्रभु! राक्षसी, जाओगी अगर भाभी के निकट तो स्थिति कर दूंगा विकट। प्रभु बचाइए! राक्षसी! अरे अरे अरे, काट दी काट दी काट दी, ना काट दी। अपने मन की वासना हमको बनाए दास, शूर्पणखा सा हाल हो बन जाता उपहास, बन जाता उपहास। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। बस शूर्पणखा ने अपनी नाक कटवा ली। यहां नाक कटना सांकेतिक है। जब हम किसी गैर पुरुष और स्त्री के साथ संबंध रखने की कोशिश करते हैं तो एक ना एक दिन हमारी नाक कट ही जाती है। पिताजी, राम तो इतने ज्ञानवान थे, समझा भी सकते थे ना, नाक क्यों काटी? बेटी, ये मत भूलो कि वो राक्षसी वर्ण की थी। आदमी राक्षस अपने दिमाग से बनता है। शूर्पणखा के पास समझने लायक दिमाग होता तो वो ना सुनकर चली जाती, सीता पर हमला तो ना करती। यही राक्षसी गुण है। जैसे आजकल कुछ राक्षस प्रेम के प्रपोजल में गुस्सा होकर लड़कियों का नुकसान करते हैं, एसिड फेंकते हैं। समझी, कोई किसी चीज को मना करे तो मान लो, गुस्से में बदला मत लो वरना राक्षस बन जाओगे। जब बात शूर्पणखा उसके बाद अपने भाई खर के पास पहुंची। अरे खर के जलवे थे दंडक वन में, भयानक शरीर, बड़ी बड़ी मूछें और खूंखार आवाज। क्या हुआ बहन, तेरा रोना नहीं हो रहा है सहन? अपने मुंह से जरा हाथ हटा, जो घटी है बात बता। बात घटी है, बात नहीं है, नाक कटी है। अरे देखा नहीं जा रहा, वापस अपना मुंह ढाक और बता, किस दुस्साहसी ने काटी तेरी नाक? वन में रहते हैं राम, सिया और लक्ष्मण। मेरा आ गया था दोनों ही भाइयों पर मन, रिझाने की कोशिश की लाख, पर काट दी तेरी नाक। अब देखो, यहाँ भाई समझा सकता है कि बहन तूने गलत किया, लेकिन खर नहीं समझाएगा, उल्टा अपने 14 सैनिक राम से लड़ने भेज देगा। राम ने सबको अवसर दिया गलती मानकर लौट जाने का, लेकिन राक्षस दिमाग कहाँ मानता गलती, सबको यमलोक भेजना पड़ा। इनको अपनी बहन की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। अब समझी तुम, अच्छे भाई बहन के रिश्ते में सुझाव होते हैं, सलाह होती है, अंधे होकर हर बात नहीं मानी जाती। देखो आगे के प्रसंग में लक्ष्मण राम की बात कैसे मान रहे। देखो भैया, अब की बार मुझे जाने दीजिए, इन राक्षसों को मजा चखाने दीजिए। लक्ष्मण, मुझे तुम्हारे शौर्य पर नहीं है शंका, पर तुम सीता की रक्षा करो, यहां कभी भी आ सकती है शूर्पणखा। देखा, लक्ष्मण ने बड़े भाई की बात मान ली, लेकिन खर और दूषण मान ही नहीं रहे थे। खर, पीछे हट जाओ, तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। पर तुमने आक्रमण किया तो जीवन दान नहीं दूंगा। दूषण,
निकालो अपना शस्त्र, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, इस दुस्साहसी राम को पढ़ाओ पाठ, इसका रक्त राक्षस पितरों को अर्पण करो। बस शस्त्र चलने लगे, वन प्राणी यहाँ वहाँ मचलने लगे। बहुत देर युद्ध चला, राम पीछे नहीं हटे, पर युद्ध किसी मोड़ पर नहीं आ रहा था। तभी वहाँ मुनि अगस्त आए। अगस्त ऋषि राम के गुरु वशिष्ठ के बड़े भाई थे। इनको सप्त ऋषियों में माना जाता है। ऋग्वेद लिखने में इनके ज्ञान का बड़ा योगदान है। ऋषि अगस्त ने आके उनकी हेल्प की? गुरु सहायता नहीं मार्गदर्शन करते हैं। अगस्त मुनि ने राम को मोहिनी अस्त्र याद दिलाया। मोहिनी अस्त्र, ये क्या होता है? ओढ़ुल्लकताओ, आओ बताएं मोहिनी अस्त्र क्या है। मायावी अस्त्र, जहां देखो राम ही राम दिखने लगे, हर सैनिक में दूसरे सैनिक को राम दिखने लगे। लड़ने तो राम ही से आए थे, आपस ही में लड़ने लगे, एक दूसरे को राम समझते और खत्म कर देते। चकित होकर दूषण चिल्लाया, तूने मेरी सेना को मारा है, अपनी मृत्यु को ललकारा है, माया से सैनिकों को छलने वाले तेरे ये स्वांग मेरे आगे नहीं चलने वाले। युद्ध के लिए तूने ही ललकारा है, मैंने तो सिर्फ स्वीकारा है। तो आओ संघर्ष करो, रोते क्यों हो, सहर्ष करो। दूषण ने एक से एक अस्त्र चलाए, पर स्वयं नारायण का रूप राम उनके सामने किसी अस्त्र की ना चली। अब तक रक्षात्मक होकर युद्ध कर रहे राम ने मात्र एक बाण चलाया। दूषण को कुछ समझ आता उससे पहले उसे यमदूत लेने आ गए। हेलो दूषण, लेट्स गो, टाइम अप सन। शूर्पण खान ने अपने भाई को बलि का बकरा बनवा दिया। यही तो फर्क है, अच्छी बहन अपने भाई को कभी मुसीबत में नहीं डालती। लेकिन शूर्पणखा को कहां विवेक था। अब उसका दूसरा भाई खर भी राम से युद्ध करने लगा। तूने मेरे भाई को यमलोक पहुंचाया, प्रतिशोध होगा राम, मिट्टी में मिला दूंगा तेरी काया। बस खर ने हुंकार भरी, अपना स्वरूप विस्तार किया, आकाश में उड़ते पंछी उसकी काया से टकराने लगे, इतना विशाल इतना विकराल। पर श्री राम मुस्काए, उन्होंने एक गहरी सांस भरी, अपने महादेव को याद किया और बाण छोड़ दिया। एक हाथ भर के बाण ने महाकाय खर को धराशायी कर दिया। मात्र एक सैनिक बचा था, अकंपन, जो बचते बचाते शूर्पणखा के साथ सीधे रावण के दरबार में गया। रामायण में आज के दिन सूर्य ग्रहण था, मंगल ग्रह सभी ग्रहों के बीच। लंका के कुल पर आज ग्रहण लग चुका था। खर और दूषण रिश्ते में रावण के भाई लगते थे और राम ने लंका के कुटुंब पर रक्त छिड़क दिया था। आज की कथा होती है यहीं समाप्त।